दिवाली का त्यौहार नजदीक आ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम लोगों को दिवाली का बड़ा तोहफा दे दिया है। जहां आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 101 करोड़ की राशि रिलीज कर दी है। ये राशि बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए है। जहां जैसा कि पिछले दिनों बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति आई थी, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि जिनकी भी फसलें या जिनका भी घर बाढ़ में बर्बाद हो गया है, उनको मुख्यमंत्री के तरफ से राशि दी जाएगी। आपको बता दें कि दिवाली का बड़ा तोहफा उन तमाम लोगों को मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से 101 करोड़ की राशि रिलीज कर दी गई है। बाढ़ की वजह से हुई फसल क्षति के मद में मुख्यमंत्री ने मंगलवार को 1 लाख किसानों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के यानी DBT के माध्यम से 101 करोड़ रुपए डाल दिए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री आवास स्थित संकल्प कक्ष में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष सितंबर में हुए वर्षपात तथा गंगा, कोसी, गंडक, बागमती व अन्य नदियों के जलस्तर में हुई वृद्धि की वजह से आई बाढ़ में फसल क्षति का प्रतिवेदन के आधार पर प्रभावित किसानों को कृषि इनपुट अनुदान की राशि दी गई है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। जानकारी हो कि अभी प्रथम चरण की राशि वितरित हुई है। इस संबंध में बताया गया है कि अन्य प्राप्त आवेदनों का सत्यापन कर शेष प्रभावित किसानों के बीच भी जल्द राशि वितरित कर दी जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध करा रही है। हम लोग आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए लगातार तत्पर रहते हैं। उधर कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से ये जानकारी दी है कि गंगा एवं अन्य नदियों में जलस्तर बढ़ने से फलस्वरूप आई बाढ़ से 16 जिले के 67 प्रखंड 580 पंचायतों में कृषि क्षेत्र प्रभावित हुआ है। संकल्प कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, कृषि मंत्री मंगल पांडे, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर उदयकांत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव अमृत लाल मीना, विकास आयुक्त प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ, सचिव अनुपम कुमार व रवि मौजूद रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिवाली से पहले किसानों को बड़ी खुशखबरी दी है। सीएम ने बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों को 101 करोड़ की राशि जो है वो ट्रांसफर किए हैं। यह राशि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी गई है। इस योजना के तहत सिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 17,000 रुपये, अनिसिंचित क्षेत्र के लिए प्रति हेक्टेयर 8,500 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। जी हाँ, पिछले दिनों बाढ़ जैसी स्थिति बिहार में हो गई थी, जिससे कि कई सारे किसानों के जो फसल थे वो बर्बाद हो गई थी, जिसको मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि वो सभी को राशि देंगे। तो ऐसे में दिवाली का बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री ने बिहार के किसानों को दे दिया है। 101 करोड़ की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।